हेलो मित्रों, हेलो दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीला चैनल से। और आज रविवार है। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हर संडे, हर रविवार को मैं आपके सामने, उन लोगों के सामने जिन्हें आध्यात्मिक कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट है, वही इस वीडियो को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और बाकी के लोग शायद मेरी भाषा को समझ ना पाए, या मुझे ये कमेंट भी करें कि आप जो बोल रहे हो इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। आपका विश्वास बिल्कुल सही है, आप उसको विश्वास ना करें, लेकिन जो विश्वास करते हैं मैं सिर्फ उनसे ही आज जुड़ना चाहूंगा। देखिए, आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक, ये जो एक क्रिया है, ये जो एक प्रोसेस है, ये ऐसे ही आपके जीवन में शुरू नहीं होती। इसे समझने के लिए जैसे मैं इन चीजों से गुजरा हूं, जैसे मैं नहीं समझ पाया, जैसे आज आप नहीं समझ पा रहे हो, या कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझाने में भी सक्षम है, वो मुझे समझा सकते हैं और मैं उनसे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सफर है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्यों होती है। सबसे पहले उस पर बात करते हैं हम। देखिए, जीवन में हमारे साथ जब कोई घटनाएं होती है, ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि यही घटनाएं हैं जो हमें इन चीजों के पास ले जाती हैं, या ये हमें ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है कि ये आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये इसकी शुरुआत है। और इसकी शुरुआत भयंकर होती है, दुखदायी होती है, बहुत परेशान करती है, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो अगर आप समझोगे कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे से होने वाला है, तो ऐसा अधिकांश कभी नहीं होता। होता यह कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपके घर में एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, उनका देहांत हो जाना, ये आपके जीवन में एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां पर इसकी शुरुआत होती है। दूसरा, आप खुद स्वयं ऐसी बीमारी से जूझ करके बाहर निकले हो जहां पे आपने मौत को बहुत करीब देखा है और आप उससे बाहर निकल के आए हो, और आपके जीवन में यकायक एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तीसरा, आप एक मां हो और आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हो, और वो जन्म बच्चे का जो है वो इतना आसान नहीं है, जहां पे डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं या तो मां को बचा सकता हूं या तो बच्चे को बचा सकता हूं, या फिर वो मां बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं रहता है, सेम स्टिल बॉर्न बेबी कहते हैं। अब इस बच्चे ने आपके जीवन में जन्म लिया और आप उसे देख भी नहीं पाए। मैं मान सकता हूं कि आप बोलोगे कि अरे, ये तो बहुत ही बड़ी, भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ किया, लेकिन ये एक कार्मिक चीज है, यही आपको इस तरफ लेके जा सकती है। चौथा, आपके शादीशुदा जीवन में आपके जीवन साथी के साथ आप उस जगह तक पहुंच जाते हो जहां पे अब आप एक दूसरे को सोचते हो कि मैं इसको स्पेस दे दूं, स्वतंत्र कर दूं, और मैं खुद भी इस चीज से अलग हो जाऊं, क्योंकि आप दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा, जिसे हम तलाक या डिवोर्स कहते हैं। और ऐसे ही कुछ घटनाएं जिसके वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव उथल पुथल मचती है। चलो, ये तो हुई घटनाएं जो आपको उस चीज से बताती है कि चलो ये हुआ। अब देखिए, जीवन में हम जब किसी से बात करना चाहते हैं तो हमारे पास भाषा है,
जबान है, लैंग्वेज है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे एक टाइमलाइन पे जीते हैं। लेकिन जहां तक वो कहते हैं कि डिवाइन, यानी कि जब ऐसी चीजें आपके साथ में जीवन में होती है तो यूनिवर्स, कायनात, उनके पास आपसे बात करने का जरिया या तरीका बहुत अलग होता है। वो आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वो आपको कुछ इशारे करेंगे, इंडिकेशन देंगे कि हम आपके आसपास हैं, हम आपके साथ हैं, इस जर्नी में, इस सफर में, इस पथ पे हम आपके साथ चल रहे हैं। और वो कैसे? यकायक हफ्ते में एक बार, दो बार या तीन बार या शायद रोजाना भी अचानक से कोई कारण ना होते हुए भी 3, 3:15 या 3:30 के बीच में आपकी आंख खुल जाना, आप बिल्कुल फ्रेश हो, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत ही अजीब तरह के सपने आना, और कुछ सपने ऐसे जो आने वाले 2-4 दिन में आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, यानी जो आपने देखा वो आपके सामने। अचानक से आपका एकांत पसंद हो जाना, यानी कि मैं बहुत ही एकांत पसंद व्यक्ति हूं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा आभास होता है कि मैं जो बोलता हूं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग आजकल जो बातें करते हैं वो मेरे साथ उनका मेल नहीं है, इसीलिए आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो, डिसएसोसिएटेड हो जाते हो, चाहे वो कितना ही गहरा घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो आपका। आप भीड़ भाड़ की जगहों में कभी कंफर्टेबल नहीं हो, ना शादी, ना कोई किटी पार्टी, ना कोई जगहों पे। आप अगर आप चले भी जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस जगह पे ज्यादा देर ठहर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। और जब आप लौट के आते हो तो आपको बहुत हेवी सर दर्द होता है, जिसको हम माइग्रेन भी कह सकते हैं। और ये तब भी होता है जब आपका आपकी कोई कलीग, आपकी कोई आपका कोई रिश्तेदार, आपकी कोई कजन, जिनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो हमेशा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं ये सोच करके कि शायद आपसे सही तरह की सलाह मिलेगी, और आप उसे सुनते हो, सलाह भी देते हो, और सिर्फ आपकी सलाह देने से ही उसके जीवन में फर्क पड़ जाता है। वो तो दुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन होता ये है कि आप उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है अपनी तरफ खींच लेते हो। मैं इसके सारे आपको उपाय बताऊंगा कि किस तरह से नेगेटिविटी को अपने से अलग रखना है, ताकि आपको उसका प्रभाव ना पड़े। आपको ये जो तीसरी आंख है, यहां पर आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कोई चीज है जो यहां पे रेंग रही है, कोई टच कर रही है, एक सेंसेशन हो रहा है। उसी तरह से आपके सर पे, ये जो तालू बोलते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर 3 इंच ऊपर आपको लगेगा ऐसा कोई आपको हाथ फेर रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि पता नहीं कोई मच्छर या कुछ तो भी ऊपर से उड़ रहा है, और आप देखोगे तो कुछ नहीं है। अचानक से आपके सर के बाल, जब आप कंघी करते हो तो आपके बाल गिरते हैं, और यकीन कीजिए मेरे जो बाल गिरने शुरू हुए थे, मैं तो मुझे तो लगा था कि बस अब तो मैं अनुपम खेर बनने वाला हूं। अचानक से आपके जिस्म का बॉडी वेट बढ़ने लगता है। आप कितनी ही एक्सरसाइज, कितना ही साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कुछ भी कर लो, कितनी भी डाइटिंग कर लो, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट गेन होता जाएगा। आपके जिस्म में जगह जगह पे वो हम कहते हैं अंग्रेजी में रैश, यानी कि क्या कहते हैं उसे, जैसे कि स्किन के ऊपर लाल एक पैच आ जाना। देखिए मुझे एक पैच
मैं सॉरी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे यहाँ पे एक लाल पैच देख पा रहे हो? यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से एक पैच बन जाता है, कभी ये पैच ऐसे बन जाता है, कभी ये इधर बन जाता है, 2-4 दिन के लिए रहेगा, निकल जाएगा, डॉक्टर से पूछोगे समझ में नहीं आएगा। आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं आपको क्या हो रहा है, आपको पसीने छूट रहे हैं, आपको लग रहा है आपको जरूर कुछ हो गया है, आपका बीपी ऊपर नीचे जा रहा है, डॉक्टर के पास पहुंचते हो और डॉक्टर के पास जरूर जाना। ऐसे नहीं कि मैंने कहा था कि नहीं भैया ये तो खाली यही लक्षण है, जी नहीं, डॉक्टर के पास जरूर जाना। लेकिन डॉक्टर आपको ज़्यादातर बोलेगा कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स आपकी सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ तकलीफ देंगी। अचानक से जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, अब स्वाभाविक सी बात है इस कमरे का जो तापमान है वो एक समान होगा, लेकिन मुझे अचानक लगेगा कि मुझे सिर्फ इस जगह पे ठंड लग रही है, या इस जगह पे ठंड लग रही है, या सिर्फ इस जगह से कुछ छू कर निकल गया है। अब एक और बात भी होती है, आपने कभी किसी गाय को देखा होगा जब उसमें मक्खी बैठती है तो किस तरह से वो अपने स्किन को, अपने त्वचा को हिलाती है, इसको बोलते हैं ट्विचिंग करना। इस तरह से आपको ट्विचिंग होना शुरू हो जाएगी स्किन में, ऐसा समझ गए, जब कोई कोई कुछ आपको अपने आप अपनी स्किन हिल रही है, ये भी एक साइन है। अचानक से आप नेचर यानी कि पेड़ पौधे इन सब चीजों में रहना ज्यादा पसंद करोगे, आप लोगों से अलग होते जाओगे, कुत्तों से प्यार करना, जानवरों से प्यार करना, उनको समझना, अचानक से मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, और आपको लगेगा कि अब मुझे जो कार्मिक खाना है यानी कार्मिक फूड, यानी कि आप किसी का जीवन लेकर के नॉनवेज आप खाना खाना पसंद नहीं करोगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको छोड़ना है, जी नहीं, आपकी ही मन आपका जब करेगा तब आप बोलोगे कि नहीं मुझे भी ये नहीं खाना, क्योंकि मैं किसी की जान लेकर के अपना पेट नहीं भर सकता या भर सकती हूँ। यह आप में बदलाव आएगा। आप कमरे में अकेले हो, सभी आपको पता है कि घर में अकेले हो, लेकिन फिर भी आपको एक आभास होगा कि नहीं मैं अकेले नहीं हूं, कोई ना कोई ऐसी कुछ ऊर्जा है, कोई चीज है जिसे हम कहते हैं एंजल्स। ये विश्वास की बात है, मैं सच कहता हूं ये विश्वास की बात है, ये एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे अभी कमेंट भी किया, आप कमेंट देख भी सकते हैं कि अचानक से उनकी ये जो एक्टिविटीज है ये बंद हो गई, और उनको ऐसा लगता है कि अरे मैंने कुछ गलत कर दिया इसीलिए शायद ये सब चीज़ें मुड़ी बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। बहुत बार जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरी चीज़ें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ क्रिया बंद हो गई है। ऐसे में आप समझ जाओ कि आपको कायनात ने थोड़ा मौका दिया है आराम करने का। एक लेवल ख़त्म हो चुका है, दूसरे लेवल पे जाने से पहले एक रिसेस दिया है, एक इंटरवल दिया है, आराम करो कि फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अब तो ये बात मैं कर रहा था कि ये तो शुरुआत है, ये तो जैसे कि आपने स्कूल में अभी दाखिला लिया है और आप खाली बच्चों के साथ में खेल रहे हो, ये पढ़ाई बहुत आगे जाएगी। और मैं आपको अपना अनुभव जब आपके सामने रखूंगा, आप यकीन जानिए मैं जिन जिन चीजों से गुजरा, शायद बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगा था कि पता नहीं इसके साथ में क्या हो रहा है, ये पगला गया है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, उन लोगों के लिए खास करके कहता हूँ जिनको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है, जानने की दिलचस्पी है, जिज्ञासा है। और वैसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप ही सिर्फ एक माध्यम हो जिससे मैं जुड़ सकता हूँ और जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे आवश्यकता है और मैं खुल के कह रहा हूँ। और मेरे इस वीडियो को अपने उन मित्रों से साझा कीजिए जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।